और आपके लिए लेकर आई हूँ अपना शो जवेरिया साउथ वर्ल्ड। जी हाँ, मेरी दुनिया, मेरा घर, मेरी जन्नत। और आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना घर, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है। और यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे घर में आप देख रहे हैं कि ये फबी आला रबी कुमार जीबान। वाकई घर जो होता है, खासकर अपना घर, एक जन्नत ही होता है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपना घर, अपनी जन्नत। ये सबसे पहले मेरे घर का एक पैसेज है जो कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे भी मैंने अल्लाह का नाम जो है घर के, जैसे कि एंट्रेंस पे आपने देखा, एंटर होते ही यहाँ पे अल्लाह का नाम है। और ये खूबसूरत सी जो आप ये मिरर देख रहे हैं, मिरर फ्रेम, और ये कंसोल देख रहे हैं, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे मेरे घर में आपको हर जगह जो है ना शीशे मिरर नज़र आएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम अपने आप को और अपने बातिन को देखते रहें। तो ये एक और खूबसूरत सा मिरर आप देख रहे हैं। और ये एक घड़ी हमने यहाँ पर लगाई भी, आप देख रहे हैं। ये घड़ी भी मुझे बड़ी पसंद थी, और आप देख रहे हैं कि पूरी वाइट एंड गोल्ड थीम है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अंदर आने के बाद, क्योंकि आप मेहमान हैं आज मेरे घर में। तो आइए हम मेहमानों को अपने ड्राइंग रूम में लेकर चलते हैं। और ये है मेरे घर का ड्राइंग रूम। जिसमें आप कलर थीम देख रहे हैं, वाइट एंड गोल्ड एंड रेड जो है, ये हमारी कलर थीम है। और मेरे घर के ड्राइंग रूम की एक ख़ास बात ये है कि इसमें सिर्फ मेरी ही नहीं, बल्कि मेरे बच्चों की और मेरे हस्बैंड की, सबकी पसंद शामिल है। हम सब ने मिल के यहाँ की एक एक चीज़ को पसंद किया है। और यहाँ के जो डिज़ाइंस हैं, जो हमारे सोफ़ा का डिज़ाइन कह लें, कंसोल का डिज़ाइन कह लें, या इस पूरे आप ड्राइंग रूम का डिज़ाइन कह लें, ये हम सब ने मिल के फ़ाइनल की एक एक चीज़। जैसे कि ये कंसोल है, ये मैंने यहाँ पर रखा है। ये एक बहुत खूबसूरत सी बड़ी विंडो है यहाँ पर, जिससे बाहर हम लॉन देख सकते हैं। ये पीछे लॉन है हमारा, ये हम आपको दिखाएंगे बाद में। ये चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ये कंसोल जो है, ये वसाची का डिज़ाइन है। और ये जो छोटे छोटे से आपको शो पीसेस नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये मैं दुबई से लेकर आई थी। ऐसी बात नहीं है कि दुबई में जो है वो बहुत महंगी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि सेल वहाँ पे बहुत लगती है। तो जो 70% सेल होती है वो हमें बहुत सस्ती पड़ती है। तो मैंने वहाँ से ये सारे अपनी पसंद के, अपनी मर्ज़ी के और मैचिंग के जो है, ये सारे मैंने शो पीसेस उठाए हैं। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, ये भी वसाची का जो है शो पीस है। एक कैंडल्स आपको मेरे घर में बहुत नज़र आएंगी, मिरर्स आपको मेरे घर में बहुत नज़र आएंगे। ये कैंडल स्टैंड्स आप देख रहे हैं दो, जो मैंने यहाँ पे रखे हुए साइड्स पे। ये सोफ़े जो हैं, ये मैंने यहीं से बनवाए हैं, कराची से। और ये देख रहे हैं यहाँ पे एक हमने फायरप्लेस बनाया है। गोवा के यहाँ पे सर्दियाँ इतनी पड़ती नहीं है कराची में, लेकिन फिर भी हमने बना दिया है फायरप्लेस। और अभी ज़ाहिर है मेरा घर अभी नया नया बना है, जैसा कि आपने मेरे शोज़ में भी सुना होगा, पहले जितने भी मैं प्रीवियस कर चुकी हूँ, कि हाँ मेरा घर बन रहा है, मेरा घर बन रहा है, मेरा घर बन रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जब घर बन जाता है आपका, और फिर उसको सजाने में भी बहुत टाइम लगता है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी होनी बाकी हैं। अच्छा, तो ये फायरप्लेस पे ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर भी मैंने, ये अल्लाह का नाम है, ये यहाँ पे जो है, इधर भी अल्लाह का नाम है। और यहाँ पे मैंने एक घड़ी रखी हुई है, नीचे कैंडल्स हैं, छोटे छोटे शो पीसेस हैं। और अब हम इस तरफ आते हैं, यहाँ पे ये ट्रे जो हैं, सर्विंग ट्रेज हैं ये, और ये मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। ये मैंने ली थी टर्की से, ये यहाँ पे ऐसी ट्रे आती है ये, और ये जब कोई मेहमान आता है तो हम इसमें सर्व करते हैं, ड्राइंग रूम के हिसाब से ये ट्रे है। तो मैं जहाँ पर भी जाती थी वहाँ पे वही चीज़ें ढूंढती थी जो कि मेरे घर के हिसाब से हों, घर की मैचिंग जो है उसके हिसाब से हों। और इसी तरह मैं कहीं पे भी जाती थी, मेरे दिमाग में आता था कि नहीं, ये चीज़ मुझे ले लेनी चाहिए। तो मैंने इसी तरह ये ट्रे टर्की से ली थी। और ये सोफ़े का जो कपड़ा है, ये मैंने दुबई से लिया था, मुझे अच्छा लगा, वहाँ से मैंने ले लिया। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हम उमरे पर गए थे तो ये वहाँ सऊदीया से मैं लेकर आई थी। ये आप देख रहे हैं खाना काबा है, और इसके अंदर कुरान शरीफ रखा हुआ है। और ये भी कुरान शरीफ है, उसका स्टैंड है, ये मैंने अलग से स्पेशली रखा है यहाँ पर। और ये आप देख रहे हैं, ये हमारे अक्सर यही होता है कि यहाँ पे कुशन ज़रूर पड़े हुए होते हैं जब मेहमान आते हैं। तो ये दो जो है हमारी कैंडल्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी मैं दुबई से लेकर आई थी। और ये जो सोफ़ा है, ये सारा कुछ मैंने यहाँ कराची से ही बनवाया है, सोफ़े टेबल्स वगैरह सारी। ये भी एक कैंडल स्टैंड है और कैंडल है, ये एश्रे है, छोटी सी टेबल है, ये वही सोफ़ा है। और वॉल जो है, ये वॉलपेपर आप देख रहे हैं जो लगे हुए हैं यहाँ पर,
ये वॉलपेपर भी मैं दुबई से लेकर आई थी और मैंने बड़ी मुश्किलों से इस वॉलपेपर की मैचिंग के जो है ना कपड़ा ख़रीदा और ये कपड़ा भी मुझे दुबई से मिला जिसके मैंने ये पर्दे बनाए हैं, ये आप देख रहे हैं। और इन पर्दों के बीच में ये जो आप खूबसूरत से देख रहे हैं ना, ये भी मैंने दुबई से ही ख़रीदा है। और दुबई में अगर आप जाएँ वहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं और आपको सेल में बड़ी सस्ती मिल जाती हैं। ये कपड़ा मैंने वहाँ से ख़रीदा था लेकिन पर्दे जो हैं मैंने वो यहाँ से बनवाए हैं। पहले ये था हमारा कि हम ड्राइंग रूम के अंदर ही डाइनिंग रूम बनाएंगे, लेकिन हमने फिर थोड़ा चेंज किया। पहले हम डाइनिंग रूम दिखाते हैं आपको जी। तो डाइनिंग रूम मैं अपना दिखाती हूँ आपको, ये है मेरा छोटा सा डाइनिंग रूम और यहाँ पे भी वही थीम है, आप देख रहे हैं रेड गोल्ड एंड वाइट की थीम है। और ये जो डाइनिंग चेयर है ये मैंने यहीं कराची से ही ली है, बनवाई है। बनवाई ऐसे है कि ये दूसरे कलर में थी, मैंने इसको उसी कलर में बनवाया है जो कि मुझे पसंद है, यानी कि वाइट और गोल्ड कलर। अच्छा जी, अब ये मैं बर्तन दिखा रही हूँ आपको। ये जो बर्तन मैंने यहाँ पर सजाए हुए हैं ये ऐसे ही रहते हैं, सिर्फ इनमें जो सर्विंग डिशेज़ हैं वो आ जाती हैं जब कोई मेहमान आना होता है और ये इसको हम साफ़ करते हैं, धो के लगा देते हैं। दूसरी चीज़ ये बताऊँगी आपको कि ये कुछ मैंने दुबई से लिए हैं, कुछ ये टर्की के हैं। तीसरी चीज़ ये कि ये जो मेरा डिनर सेट है जो कि आधा उन कबर्ड में रखा हुआ है मैंने, ये डिनर सेट जो है ये मेरा बहुत ही मेरे दिल के करीब है, क्योंकि ये डिनर सेट जो है ये मेरी दादी ने, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं दिल के बहुत करीब थी, ये मेरी दादी ने मुझे मेरी शादी पे गिफ्ट किया था। और इस डिनर सेट की ख़ास बात यह है कि ये जो गोल्डन आपको यहाँ पे डिज़ाइन नज़र आ रहा है ये गोल्ड प्लेटेड है और इसको मैं बड़ा सजा के अपने पास रखती हूँ। और बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो मेरे आते हैं ये मैं उनके लिए जो है उनको इसमें खाना सर्व करती हूँ। इसकी बड़े मज़े की एक कहानी है जो ये आप देख रहे हैं, ये सर्कल बना हुआ है, इसमें ग्लास लगाया हुआ है। तो ये सर्कल मैं बनाना चाह रही थी, मैं चाहती थी कि लाइट जो है वो बाहर से अंदर छन के आए और अंदर से बाहर जब आप यहाँ की लाइट जलाएं तो बाहर से हम उन लाइटों को देख सकें, छन के लाइट बाहर जाए। और सऊद ने इस बारे में मुझे ये कहा कि भाई तुमने तो पूरे घर में जो है तुम तो शीशे लगवा रही हो, हर घर में तुम, घर की हर दीवार में तुम होल बना रही हो, ये क्या बात है। तो मैंने कहा नहीं, बस जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी। फिर सऊद ने कहा ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो करो। और ये घर हमने बड़ी मेहनत से, बड़े दिल से, बड़े अरमानों से जो है बनाया है और इसकी एक एक चीज़ हमने खुद डिज़ाइन की हुई है, यहाँ तक के दीवार में किस तरह का डिज़ाइन आना चाहिए। जो आप सामने ग्लासेस पे जो डिज़ाइन देख रहे हैं ये डिज़ाइन भी मैंने अपने हाथ से बना कर दिया था, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, मैं दिखाती हूँ। ये डिज़ाइन जो आपको नज़र आ रहा है ये ग्लास पे जो बना हुआ है, ये डिज़ाइन भी मैंने अपने हाथ से बना कर उनको दिया था कि डिज़ाइन चाहिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बड़ी खूबसूरत सी, ये मैं तुर्की से लेकर आई थी, इसी सारे अल्लाह के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे बड़ी पसंद है, जैसे ये इसमें चटनी रखें और आप इसका चमचा देख रहे हैं कितना प्यारा है, खूबसूरत सा छोटा सा। दिल नहीं चाहता वैसे ये चीज़ें यूज़ करने का, लेकिन जब मेहमान आते हैं तो उनके लिए मैं करती हूँ, बिल्कुल रखती हूँ बहुत ही स्पेशल गेस्ट के लिए। ये सारा सामान मैंने 5 साल में जमा किया है जी। तो अब हम आते हैं कॉरिडोर में, जो कि हमारा कॉरिडोर है। यहाँ पे आपने देखा है क्योंकि हमने जब ये प्लॉट लिया था तो ये लेंथ में, लंबाई में ज़्यादा था, विड्थ में कम था, तो हमने इस हिसाब से इस घर को डिज़ाइन किया। और जी ये मैं अपने अभी इस वक्त कॉरिडोर में आ गई हूँ और यहाँ पे भी ये कंसोल रखा हुआ है आप देख रहे हैं, और यहाँ पे ये जो पॉट रखे हुए हैं ये भी आप देख रहे हैं, और नीचे कैंडल्स, मैंने कहा जैसा कि आपको हर जगह पर कैंडल्स जो है मेरे घर में आपको मिलेंगी। और ये जो है ये इसमें ये वो है ऑयल डाल के, जब हम इसको, ये बर्नर है, ऑयल डाल के इसको नीचे से कैंडल जलाते हैं तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है, तो ये बर्नर भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और ऑयल भी मेरे पास बहुत सारी किस्म के, ये भी किसी दिन मैं आपके साथ जो है ना शो पे आपको बताऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पर आए हैं हम, ये हमारी स्टेयर्स हैं जो कि रास्ता ऊपर जाता है, और इस फ्लोर के ऊपर वाला जो फ्लोर है वो है हमारा अपना बहुत ही प्राइवेट जगह, जिसमें मेरा रूम है, मेरे बच्चों के बेडरूम्स हैं, और इसके अलावा हमारा एक छोटा सा किचन है ऊपर, और एक बहुत ही खूबसूरत सा हमने बहुत फ्लोरल सा टीवी लाउंज बनाया है, जिसमें हम बैठ के जहाँ पे हम टीवी देखते हैं वो है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पर आती हूँ। ये पूरी जो जगह आप देख रहे हैं, जैसा कि
ये पिक्चर्स आपने देखी, यहाँ पे मैंने ये बड़े बड़े फ्रेम करवा के यहाँ पे पिक्चर्स लगाई हैं। पहले मेरे दिमाग में कुछ और था कि मैं इस पूरी वॉल पे पेंट करवाऊँगी, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, यहाँ पे मैं अपनी पिक्चर्स लगाती हूँ। और ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं, सारी ये पिक्चर्स जो हैं ये हमने दुबई में बनवाई थी, और आई थिंक ये ब्रिटिश इटालियन कल्चर है। और ये आप देख रहे हैं, ये मिरर फिर आ गया, मिरर है ना, जब मेरी शादी हुई थी तब ये मिरर मैंने दुबई से लिया था, और ये उस वक्त से अब तक मेरे पास, मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। और ये बाकी आप देख रहे हैं कैंडल्स हैं, ये सारी चीज़ें मुझे पसंद हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये चेयर्स हैं, ये मैंने यहीं से ली हैं, बनी हुई बनी बनाई मुझे अच्छी लग गई थी, मैंने ले ली थी यहीं से, कराची से। ये जो आप कैबिनेट देख रहे हैं, ये कैबिनेट मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था, और इसकी मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है, क्योंकि जब जो किसी के दिया हुआ तोहफ़ा होता है, ख़ासकर अपनों का दिया हुआ तोहफ़ा, वो अपनी जान से भी ज़्यादा हमें करीब होता है, अज़ीज़ होता है। जी, ये जो कर्टन्स का आप यहाँ पे डिज़ाइन देख रहे हैं, ये सिर्फ मैंने वाइट कर्टन्स जो है यहाँ पे लगाए हैं। ये ऊपर देखें आप, ये इसका जो खूबसूरत से इन्होंने पैनल बनाया हुआ है, पैलमेट बनाई हुई है। ये पैलमेट जो है ये भी वाइट है, बिल्कुल जॉर्जेट के हल्के से मैंने पर्दे लगाए हुए, क्योंकि इसके बाहर मेरा जो है वो लॉन है, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी लॉन अपना। और अब आगे चलते हैं, ये आप ये देखें, ये मैंने यहाँ पे भी कैंडल्स रखी हुई, कैंडल्स स्टैंड यहाँ पे भी लगाया हुआ है एक, आप देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा, कैंडल्स और मिरर आपको हर जगह मेरे घर में जो है नज़र आएंगे। ये जो दरवाज़ा है, ये हमारा बाहर लॉन की तरफ जाता है ये दरवाज़ा, इसको खोलते हैं तो सामने लॉन है, यहाँ पे कभी बैठते हैं हम चाय पीते हैं, सामने लॉन होता है, कभी बारिश हो रही होती है तो यहाँ पे बैठते हैं, ये कर्टन्स हम हटा देते हैं और सामने बारिश के मज़े लेते हैं, चाय पीते हैं। और अब मैं आ रही हूँ हमारे नीचे वाले टीवी लाउंज की तरफ, और जी अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारा सिटिंग एरिया, जो कि यहाँ पे हम टीवी भी देखते हैं, बातें भी करते हैं। ये सोफ़ा सेट जो है ये आप देख रहे हैं, ये हमने नया लिया था। अच्छा, ये मैंने नया बनवाया है, और ये जो पसंद किया था इसका डिज़ाइन, ये सऊद ने पसंद किया था, ये फ्रेम जो है वो सऊद की पसंद का है। ये सोफ़ा सेट जो मैं आपसे कह रही थी ना कि पुराना है, वो ये वाला हमारा सोफ़ा सेट पुराना है, इसको मैंने चेंज किया है। बाहर ये देखें हमारा, ये बाहर लॉन का एरिया है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी लॉन। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, हाँ ये शेंगरेल देख रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, ये देख रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें, इस घर की जितनी भी लाइटिंग है सब सऊद ने की हुई है, चाहे वो कैबिनेट की लाइट हो, चाहे वो किचन की हो, चाहे वो ड्राइंग रूम की हो, कहीं की भी हो। ये पेंटिंग जो है ये मैं दुबई से लेकर आई थी, ये भी आप देख सकते हैं। ये जो आर्ट पीस आप देख रहे हैं, जो कि हमने अपने लिविंग रूम में लगाए हुए, हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, ये उन्होंने हमें गिफ्ट किया था हमारे घर के लिए, और ये मेटल का बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं कि बड़ी मेहनत से बनाया गया है। और ये फिर वही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं लेकर आती हूँ, शो पीसेस हैं जो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ अपना किचन, जो कि सऊद ये कहते हैं कि एक ऐसी जगह है घर में जहाँ मैं कभी नहीं जाती, और वो किचन है, जबकि ये झूठ है। देखिए, मैं आपके सामने अपने किचन में आ रही हूँ, ये मेरा किचन है, और ये आप देख रहे हैं कि ये किचन भी हमने डिज़ाइन निकाला था, और मेरा तो बस इतना सा काम होता था कि मैंने डिज़ाइन निकाल के सऊद को दे देती थी, बाकी इसको बनवाना, इसकी क्वालिटी देखना, कैसा काम हो रहा है, किस तरह हो रहा है, वर्कर्स को देखना, वो सारा सऊद का काम था। तो मैं तो बहुत आराम से अपना इंटरनेट से डिज़ाइन निकालती थी और बता देती थी कि इस कलर में, उस कलर में, बाकी सब सऊद कराते थे ये काम, तो सारे मेहनत के काम सऊद के थे। आप देखें यहाँ पे मैंने सारे बर्तन अपने रखे हुए हैं, कुछ मेरे जहेज़ के बर्तन हैं, कुछ मेरे जो है वो नए बर्तन हैं। ये देखें, ये थर्मस है, बहुत खूबसूरत सा, और ये मैंने दुबई से लिया था थर्मस, और ये पूरा सेट है इसका थर्मस का, ये लग रहा है जैसे कोई जग है या कोई इस तरह की चीज़ लग रही है, लेकिन वाकई थर्मस है। और हाँ, सबसे मज़ेदार चीज़ मैं अब आपको बताने वाली हूँ, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे किचन में जो ये टेबल है, ये सऊद का आइडिया, सऊद का उन्होंने सोचा होगा कि शायद मैं किचन में बहुत काम करूँगी, तो इतने सारे जो है ना चूल्हे मेरे लिए यहाँ पर ले आए, ये स्टोव से सारे, एक्चुअली ये स्टोव सब तमाम नहीं है, ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये जो है इसमें जो है आप कोई भी चीज़ फ्राई कर सकते हैं, ये फ्राई करने की जो मशीन्स आप देखते हैं ये एक्चुअली वो है। अच्छा, ये जो है ये स्टेक बनाने के लिए, ग्रिल के लिए है यहाँ पर, और ये वाला जो स्टोव है ये बारबेक्यू के लिए है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये आर्टिफिशियल जो है वो
कोयले सारे रखे हुए हैं। ये यहाँ पे आप बारबेक्यू बना सकते हैं, हम मतलब, और ये इलेक्ट्रिक स्टोव है जिसमें आप बहुत ज़्यादा, हम इसको यूज़ नहीं करते लेकिन कभी कभी कुछ दावतें होती हैं या कुछ स्पेशल चीज़ें हमें बनानी होती है उसमें हम बनाते हैं। और ये वैसे चूल्हे हैं जिसमें हम देखचों में खाने पकाते हैं, लेकिन मैं ये वाला किचन यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरा ये डर्टी किचन जो है ये सामने है। हमारा छोटा सा यहाँ पे खूबसूरत सा कमरा है, उसको मैं गेस्ट रूम तो नहीं कहूँगी क्योंकि उससे मेरी और मेरी फैमिली की और ख़ासकर साउथ की और मेरी बड़ी यादें जुड़ी हैं, कि स्पेशल रूम है। वैसे तो ये कहना चाहिए कि ये गेस्ट रूम ही है एक तरह से, लेकिन ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस रूम का जितना भी फर्नीचर है ये सारा मेरे शादी का, यानी कि मेरे जहेज़ का फर्नीचर है। और जब हमारी शादी हुई थी तो हमारा रूम बिल्कुल ऐसा था, तो मैंने ये किया है कि मैंने एज इट इज़ वो बेडरूम सेट और पूरा का पूरा बेडरूम आप ये समझ के लाकर यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि इस घर में हमने अपना जो बेडरूम बनाया है वो नया है, उसमें तमाम चीज़ें नई हैं, लेकिन हम क्योंकि इस रूम से हमारी बड़ी यादें वाबस्ता हैं तो हमने इस रूम को एज इट इज़ रखा है, इस फर्नीचर को एज इट इज़ रखा है। इसके अंदर जितनी तस्वीरें जिस तरह से भी लगी हुई थी आप देख रहे हैं, वो मेरी शादी की वलीमे की तस्वीर है, वो एज इट इज़ जो है मैंने उसी तरह रखी है जिस जगह वो होती थी, आप देख सकते हैं। और टाइगर प्रिंट मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वॉलपेपर जो है वो टाइगर प्रिंट का सारा वो किया है। ये देखिए हमारे वलीमे की तस्वीर है, मैंने यहाँ पर रखी है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो ये पर्दे और जो ये वॉलपेपर्स हैं ये सारे मैचिंग ढूंढने में बड़ा मुश्किल पेश आई हमें, लेकिन हमने भी ढूंढ के निकाल ही ली तमाम चीज़ें, और कोशिश यही की है कि सारी चीज़ें जो हैं आपस में मैच करती भी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। ये ड्रेसिंग टेबल है मेरी, और अब यहाँ पर हमारे जो स्पेशल गेस्ट होते हैं वो यहाँ पर आकर रहते हैं, तो ये हमारा स्पेशल गेस्ट रूम है। और अब मैं आपको एक और दूसरा गेस्ट रूम दिखाती हूँ जिसमें हमारे मेहमान आके रहते हैं, दूसरा गेस्ट रूम। आइए जी, तो ये है हमारा एक और गेस्ट रूम, और यहाँ पे भी हमारे गेस्ट आते हैं रहते हैं, और हमारे यहाँ माशाल्लाह से मेहमानदारी कुछ ज़्यादा ही होती है। दो दो गेस्ट रूम में से आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारा छोटा सा एक गेस्ट रूम है। और ये भी हमारा जनक के रूम का पुराना फर्नीचर है जो मैंने यहाँ पे दोबारा पॉलिश करवा के यहाँ पे रखवाया है। इस वक्त मैं अपने घर के जिस हिस्से में बैठी हुई हूँ ये है हमारा प्राइवेट लिविंग रूम, जैसा कि मैंने आपको बताया था। लेकिन ये देखने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा मेरी अगली एपिसोड का, तो जल्दी से जाइए, टाइप कीजिए जवेरिया साउथ और उसको सब्सक्राइब कीजिए, और उस पर जो बेल आइकॉन होता है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे हर आने वाले शो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।